हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आर के फ्रॉम आर के इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। डियर स्टूडेंट, आज फिर लेकर के लिए मैं आया हूँ आपके लिए एक और सेंट्रल आइडिया ऑन वंडरफुल वर्ड। डियर स्टूडेंट, वंडरफुल वर्ड आपके सिलेबस में एक पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है, नेचर के बारे में जिसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसके राइटर जो है, ऑथर जो है, वो एक ब्रिटिश ऑथर है जिनका नाम विलियम ब्राइटली रेंट से हैं। इन्होंने कई सारी जो पोएम से कंपोज की है अपने लिटरेचरी में। इनका जो जन्म है 1823 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1882 में हो गई थी। इनके द्वारा लिखी थी बहुत ही अच्छी पोएम है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वंडरफुल वर्ड, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑन द पोएम वंडरफुल वर्ड। इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा, मीन्स आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक सेंट्रल आइडिया, मतलब सारांश आपको लिखना है वंडरफुल वर्ड पोयम का। तो देखते हैं आपका आंसर इस प्रकार होगा, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल कवर्ड विथ ओशियंस। मतलब जो वर्ड है, मतलब दुनिया है, दुनिया मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो अर्थ के लिए यूज किया गया है कि जो दुनिया है, पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, जो कवर्ड है मतलब अपने आप में कवर किए हुए, किसके द्वारा कवर है, ओशियंस मतलब महासागरों से, एंड ग्रीनरी और हरियाली से। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, मींस ये हुआ कि जो अर्थ है वो पालती है, किसको पालती है, मतलब पालन करती है मानव सभ्यता का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का। विच हैड मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, अर्थ की वजह से ही मानव सभ्यता जो है अपना मार्क, अपना स्थान बना पाई है, प्राकृतिक जो भूदृश्य है उस पर जो एक सभ्यता है जो अपना मार्क छोड़कर गई है, किसकी वजह से, केवल अर्थ की वजह से। द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कवि अपने आप को बहुत छोटा पाता है, व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ, मीन्स वो जब क्या करता है, इस ग्रेट जो महान धरती है, जो पृथ्वी, उससे अपनी तुलना करता है तो अपने आप को बहुत ही छोटा प्राप्त होता है। द पोयम टेल्स अस, कविता हमसे कहती है, ये जो पोयम है वो हमसे बोलती है, डेट कि वुमन बींग इज द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, जो मानव है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा प्राणी है पृथ्वी के ऊपर। द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, मीन्स वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है या लव कर सकता है, प्यार कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।